नियंत्रण कंट्रोल और निग्रह निग्रह माने कर्मानुसार अपराधी को दंड देने की सामर्थ्य अधीन रखना नियमन और निग्रह नियमन अनुशासन और अनुग्रह माने कृपा करुणा जिस पर द्रवित हो जाए उनको निहाल निग्रह और अनुग्रह के सामर्थ्य परमात्मा विश्व को नियमन करने के सामर्थ्य परमात्मा विश्व की सृष्टि पालन और प्रलय की सामर्थ्य इस सामर्थ्य का नाम है योग। जिस शक्ति से जिस शक्ति से ये सामर्थ्य प्रकट होता है उस शक्ति का नाम है योग। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त परमात्मा की योग माया और इसी को प्रतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा इसी का नाम आत्मा। तो आत्म माया योग माया योग शक्ति योग ईश्वर एचैव सात्विका भावा राजसास तामसास चे एव एतान् विद्धि न तु अहम् तेषु ते मयि। आगे अभी पढ़ा एक श्लोक हम रोज पढ़ाते हैं मुश्किल से और यदि एक श्लोक भी आप लोग रोज याद नहीं करोगे तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। हमारे शिष्य तो उनको मैंने कहा अंका जी तुम गीता का 1000 आसपास की 1000। एक दिन मैंने पूछा अंका जो है तू गीता का पाठ नहीं सुना इसके आगे कौन सा सुना। वो कहता है मुंह बंद करके तो आता है मेरी अभिव्यक्ति मेरा वैभव त्रिगुणात्मक है त्रिविर्गुणमय भावई ये भी सर्वमिदम जगत ये संपूर्ण विश्व जो है वो तो मेरे त्रिगुणात्मक भाव के रूप में ही अवस्थित तो अब इसमें इसी में भ्रमित हुआ ये जीव
मनुष्य माम न अभिजान, मुझे नहीं जानता, क्योंकि यही योग माया है, योग माया समाधि। जो योग माया है वही प्रभु के यथार्थ स्वरूप को पहचानने में आवरण रूप से काम कर जाता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाधि, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, प्रत्यक्ष नहीं हूं, मैं हम प्रकाशक, प्रकाश माने प्रत्यक्ष, सर्वस्व मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं बोले ना, क्यों भाई? का योग माया समावृत, अपने योग माया से मैं समावृत हूं, योग ऐश्वर्य से समावृत हूं, भगवान के योग ऐश्वर्य का नाम है, वेद में हिरण, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम, हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ। ये हिरण्यमय पात्र क्या है? गीता में पढ़ो, योग माया समान, ये हिरण्यमय पात्र और कुछ नहीं है, परमेश्वर की योग माया का नाम। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मूढ़ो अयम न अभिजानाति मामेभ्य अपरमभ्य, मामेभ्य अपरमभ्य नहीं, मूढ़ो अयम न अभिजानाति, देखो तो पूरा करो, मामा जमक लोको माम अजम अभ्यम, अभी आधा 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 तो नहीं, सारे जरा मिलता है, एक ही अर्थ वही नहीं है, अर्थ तो अलग अलग है, अर्थ वही होता है तो शब्द वही प्रयोग होता है। एताम विभूतिम योगम च, एताम इमाम मम मयम विभूतिम च योगम च, यह मेरे मेरी विभूति को और मेरे योग को, यो तत्वतः वेद, जो तत्वतः जानता है, किसको जानता है तत्वतः? विभूति को और योग, ये दोनों, यही तो दो परमात्मा के विभूति और योग, इन्हीं को यदि मैं सातवें अध्याय के अपरा और परा प्रकृति से जोड़ दूं तो वो असंगत नहीं। भगवान की विभूति क्या है? लोअर लिख, और योग क्या है? अपर लिख। उसको क्या कहा गया है?
अपरे अयम इतः तु अन्याम प्रकृति मे परा जीव भूतां महाबाहो एदम धार्यते जगत। तो जगत को धारण करने वाली शक्ति का नाम है योग शक्ति, और जगत रूप में अभिव्यक्त हुई शक्ति का नाम है विभूति। जगत रूप में परिणित हुई शक्ति का नाम है विभूति, और इस जगत को धारण करने वाली शक्ति का नाम है नवे अध्याय में भगवान क्या कहा, वहां देखो मैं उनमें होते हुए भी उनमें नहीं हूं, ना तू अहम ते सुते मई। उसके बाद में क्या कहा कि वो मेरे में होते हुए, हाँ मत्तः सर्व मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानी न च अहम तेषु अवस्थितः न च मतस्थानी भूतानि, ये न च मतस्थानी भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम इमानि भूतानि मयि वर्तते तर्हि ते न मतस्थानी यम में योग ऐश्वरम पश्य, मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख। ये मेरे में होते हुए भी मेरे में नहीं है, ये सारा जगत मेरे में होते हुए भी मेरे में नहीं है। ना ते मतस्थानी भूतानी पश्यम योग ऐश्वरम आगे भूत भृत क्या भूतस्थो महात्मा भूत भृत न च भूतस्थ। संपूर्ण तत्वों का आश्रय होता हुआ भी उन तत्वों में स्थित नहीं है, तो पढ़ाया भूत भृत संपूर्ण भूतों का भरता, भृत माने भरण करने वाला, भरता रक्षक धारक होते हुए भी न च भूत स्थितम उनमें स्थित नहीं। ये क्या है भगवान का योग ईश्वर, ये योग ईश्वर योग माया पराप्रकृति पराप्रकृति जिसको वेद में श्री कहा, वेद में यजुर्वेद में भगवान की दो रक्षक शक्तियां हैं, रक्षक शक्तियां, इसलिए इसको इसके लिए वेद क्या कहता है पत्न्यौ 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 माने पत्नी, पत्नी माने रक्षिका, रक्षणे से पति और पत्नी दोनों शब्द बनता है, पत्नी माने रक्षिका। तो रक्षिका परमात्मा की रक्षिका शक्ति दो, कौन कौन सी, श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री और लक्ष्मी, ये कैसी हैं आगे मंत्रालय नहीं बोले श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ अहोरात्रे, तो अहोरात्रे का भी प्राय जानते हो, श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे, परमात्मा की ये दो रक्षक शक्तियां हैं श्री और लक्ष्मी, और इनका रूप कैसा है अहोरात्रे दिन और रात्रि के समान, परमात्मा की दो शक्तियां हैं
यानी एक प्रकाशमयी शक्ति है, इसका नाम है श्री, और दूसरी रात्रिमयी शक्ति है जिसका नाम है लक्ष्मी। इसीलिए रात्रि शुक्त है ये, और लक्ष्मी जो रात्रिवत है इसीलिए उसका वाहन उलूक उलूक वाहिनी कही जाती है। और इन्हीं को यहां पर भगवान ने क्या कहा, विभूतिम च योगम च, परमात्मा की एक विभूति है और दूसरा योग है, इन दोनों को ही तत्वतः जानना है। सृष्टि तो यही तत्व है, इन दोनों को जान करके ही अव्यय को जाना जा सकता है। और इन्हीं को 15वें अध्याय क्या बताया, क्षर और अक्षर। 13वें अध्याय क्या बताया, बोलो क्या बताया 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दूसरे अध्याय क्या बताया, दूसरे अध्याय क्या होता है, देह और देही, देही मित्र मध्योयम देह सर्वस्व भारत। तो परा अपरा क्षर अक्षर देह देही शरीर शरीरी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुण और ज्ञान प्रकृति और पुरुष विद्या और अविद्या संभूति और असंभूति एक नाम थोड़ी है। तो क्या है दोनों, परमात्मा की विशिष्ट शक्ति। इसीलिए मैंने अपने ब्रह्म विद्या के व्याख्यान में ये बताया कि विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह, यह विद्याम च अविद्याम च उभयम सह तद्वेद। तद्वेद माने वाह, और 15 मिनट बाद आते जी तो हम बंद कर देते, इतने जल्दी आने की क्या जरूरत है। परमात्मा की द्विविध शक्ति विद्या और अविद्या इनके सहित तद, तद शब्द का प्रयोग मनुष्य ने किया। यह तत्वेद उभयम सह, यह तत्वेद तत्व तो परमात्मा है, इन दोनों के साथ जो उसे जानता है, ये दो परमात्मा की विशिष्ट शक्ति है। इसलिए इनको आचार्यों ने विशिष्ट कहा, विशिष्ट, और इन विशिष्टों से युक्त होने के नाते ही ब्रह्म का एक स्वरूप होता है विशिष्ट अद्वैत, इसको कहते हैं विशिष्टता। इन दोनों विशिष्टों से युक्त जो परमात्मा है वह अद्वैत, एक अद्वैत, ये दोनों परमात्मा की विशिष्ट शक्तियां हैं। परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से भिन्न नहीं, दोनों ही भिन्न नहीं है, एक गुणमयी शक्ति दूसरी ज्ञानमयी शक्ति। इसलिए शिष्टम च विशिष्टम च, भगवान की विशिष्ट शक्ति। इसी को वेद ने प्राण और रई कहा, रईं च प्राणं च मिथुनम उत्पादयति रईं च प्राणं च। प्रश्न उत्तर, उसने मिथुन को पैदा किया जिसको कि प्राण और रई कहते हैं। जो जीवधारी तत्व है उसका नाम प्राण है, और जो प्राकृत तत्व है उसका नाम रई है।
अब वही शक्ति जो है विभूति, विभूति की खोज में तो विज्ञान लगा हुआ है, इसकी तलाश तो कर रहा है, बहुत दूर तक पहुंच गया। लेकिन अब कुछ वर्षों से विज्ञान प्राण की खोज में भी तत्पर हो गया, परा प्रकृति की खोज में भी तत्पर हो गया। उसका नाम रखा है मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। अब वो पैरासाइकोलॉजी से बात नहीं बन रही है, अब वो आगे रिसर्च कर रहे हैं स्प्रिट की, व्हाट इज स्प्रिट इज। पैरासाइकोलॉजी की कल्पनाएं उनकी सारी धीरे धीरे धराशायी हो, जो कुछ सिद्धांत आज से 10 साल पहले बनाए गए थे अब सब खत्म है। जेनेटिक के ऊपर जितने सिद्धांत बने थे सब फेल हो गए। परमात्मा की विभूति को समझना कोई खेल नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं यो में वेद, यो वेद तत्व कर, यो तत्वतः वेद, इसको तत्वतः ही जाना जा सकता है, नामतः रूपतः जाना जाना कोई अर्थ नहीं रखता। नामतः रूपतः तो दृश्य है, उसके लिए कोई कोई नाम प्रयोग कर दें, यथार्थ रूप तो उसका तत्वतः जानना है। हम कहते हैं पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी को तत्वतः हम नहीं जानते। हम कहते हैं जल है, लेकिन जल को तत्वतः नहीं जानते। हम कहते हैं अग्नि है, लेकिन अग्नि को तत्वतः नहीं जानते। नाम का रूप तो देखते हैं। इसी रूप से वायु और आकाश की बात, इसी रूप से मन अहम और बुद्धि की बात, ये प्रकृति अष्टधा है, अष्टधा। तो बुद्धि अहम और मन के विषय में जानना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर तत्व तो जानने उसके विषय। जो दृश्य है हमारे सामने उसी को तत्व तो अभी हम नहीं जानते। दृश्य क्या है, पृथ्वी जल अग्नि, इन्हीं के विषय में नहीं जान पाए। वेद में इन तत्वों की इतनी बृहद व्याख्या है और इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया, भूमि पृथ्वी वसुधा, भूमि पृथ्वी वसुधा गो, इतने नाम है, एक लिस्ट है पूरी, और पूरी और वो जो वेद के अक्षर हैं, इन अक्षरों में इन तत्वों का विवेचन किया गया। पहले गो है, फिर भूमि है, फिर पृथ्वी है, फिर वसुधा है, ऐसे और आगे इसके नाम बनते गए। अब इनको तत्वतः जानने के लिए निघंटू के उन शब्दों का अनुसंधान करना पड़ेगा जो निघंटू में इसके नाम क्रम से दिए। एक एक अक्षर को, एक एक अक्षर के कारण को, क्योंकि ये विद्वानों की, योगियों की राय है कि वेद के जितने अक्षर हैं सब निशब्द हैं, सब योगी हैं, और उन शब्दों का अनुसंधान कर उनके रूट को समझ करके, काज को समझ करके, धातु को समझ करके और प्रत्यय को समझ करके, धातु और प्रत्यय को समझ करके उसके कारण तक पहुंचे। जैसे गो पृथ्वी का एक नाम है गो, और गो धातु जो है वो गति अर्थक है, गति के अर्थ में। अब पृथ्वी की किस अवस्था का नाम गो है, किस अवस्था का नाम भूमि है, किस अवस्था का नाम पृथ्वी है,
ये अवस्था से संबंधित है। जिस समय सूक्ष्म परमाणुओं में गति होती है और गति घनीभूत होने के लिए उन्मुख होती है, उस समय इस पृथ्वी का, इस तत्व का नाम होता है गो। क्या कर रहे, जब परमाणु क्षुब्ध होकर के, गतिशील होकर के, घनीभूत होने के उन्मुख होते हैं, यानी प्रक्रिया जहां शुरू होती है, घनीभूत होने की प्रक्रिया जहां, प्रोसेस जहां शुरू होता है, उस स्थिति का नाम है गो। और जब वो घनीभूत हो जाते हैं, घनीभूत हो करके, अभी ठोस नहीं हुए हैं, केवल घनीभूत हुए हैं, जैसे बादल, बादल, उस अवस्था का नाम है भूमि, भूमि। और जब ठोस हो जाते हैं, ठोस होकर के सपाट हो जाते हैं, तो उस अवस्था का नाम है पृथ्वी। और जब उन पर जीव उत्पन्न हो जाता है, तब उसका नाम पड़ जाता है वसुधा। तत्व एक है, तत्व एक ही तत्व के संकेत करते हैं, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं के। नहीं, तत्व इनको तत्वतः जानना है ना, तत्वतः जब जानने लगोगे तत्वतः, तो अब यहां से वसुधा से चलो, वसुधा से चलो पृथ्वी को समझो, पृथ्वी के भूमि को समझो, भूमि से गो को समझो। अब गो तक तो आप पहुंच गए ना, अब गो के कारण को समझो, तत्वतः तो आगे बढ़ोगे ना। तो अब तत्वतः जब गो के आगे बढ़ोगे, तो वहां पर मिलेगा आपको गंधो अहम पृथ्व्याम च, तो क्या मिलेगा, गंध, गंध, गंध माने क्या होता है, गंध। उस गति को धारण करने वाला तत्व, जो गति, गति जो हुई है यहां से गो, जहां से गति शुरू हुई, गंधम, अब गंधम जो तत्व है ना, अब गंधम ही पृथ्वी बना है। इसलिए गंध जो है वो पृथ्वी का क्या बताया गया, धर्म, गुण। अब पहले और उसको दूसरा क्या कहते, जानो, तनु मात्रा, तनु मात्रा में सकलेस्ट मैटर, अंग्रेजी में उसे कहे सकलेस्ट, फाइनेस्ट मैटर, दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वी कांट डिस्क्राइब दैट, एंड व्हाट एवर इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, दैट इज सकलेस्ट, इन अदर वर्ड कॉजल फिनोमेना ऑफ अर्थ, बिकॉज कॉजल फिनोमेना ऑफ अर्थ इज कॉल्ड गंधम, गंधम। उससे पहले तो वही कहता मैं ही हूं, तो गंधो हम, वो कहता मैं हूं तो ब्रह्म है, गंधो हम ज्ञान, उसका मूल कारण वही है बस, उसके विषय में वो अननोन है, बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड क्वालिटी, दैट इज सोर्स ऑफ ऑल बट अब पाओ। ये तो बता रहे पश्चिमे योग ईश्वर, आई एम सोर्स ऑफ ऑल बट अब पाओ, आई एम कॉज ऑफ ऑल बट अब पाओ, I am root of all, but above all. I am center of all, but above all. Quality is better. This is quality. Quality is better. 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 Quality is इंडिकेटिंग ए स्पेशल क्वालिटी, शब्द ब्रह्म है, इसीलिए ब्रह्म तत्व का विवेचक है, इसके सिवा कुछ नहीं।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा, जहाँ वाणी की गति नहीं है, जहाँ मन की गति नहीं है, जो शब्द में नहीं बांधा जा सकता, शब्द को इंडिकेट है। अब गंधम समझ गए होंगे आप, गंधम गंधम की गंधो हम कुछ ज्ञान से अगर भगवान समझाएंगे अब है तो कौन सा फिर उसी की यहाँ पर अभिव्यक्ति होती स्मेल की। बना नहीं, बना नहीं, उसकी अभिव्यक्ति हुई चाहिए, अभिव्यक्ति जल के बाद उसकी आइडिया में जल का और पृथ्वी का तत्व उस चीजों से बना है। पहले इसीलिए इसीलिए उस गंधम को समझो, मैनी वी नो अबाउट दैट गंधम, देन यू कैन रियलाइज व्हाट